दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने लता शब्द रूप याद करने के लिए एक बहुत ही गजब ट्रिक बताया था। वो सिर्फ एक वर्ड था, एक शब्द था, बस उसी शब्द की हेल्प से आज हम लोग नदी शब्द रूप याद करेंगे। वो शब्द था मया या यह याम। भैया, इसका अर्थ तो कुछ निकलता नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा काम कर देता है। याद करने में साला पसीना छूट जाता है, लेकिन इस ट्रिक से एकदम आराम से याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। नदी का सिर्फ याद नहीं होगा, जितना भी दुनिया में शब्द है जिसका लास्ट में दीर्घ ई है ना, उसका शब्द रूप नदी की तरह होगा। आज हम लोग दीर्घ ई कारांत का शब्द रूप याद करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई साहब, कोई भी शब्द रूप का स्टार्टिंग तीन वर्ड है ना, सबको याद रहता है, नदी नदियों नद्य, उसके बाद तो बोलती बंद हो जाता है। लेकिन अब नहीं होगा, ये वर्ड का फर्स्ट लेटर है माँ, तो नदी में माँ लगा दो, क्या हुआ, नदीम। उसके बाद है या, दोस्त, अब नदी में नहीं नद में लगाना है, शुरू में तो नदी प्लस मा लगाए थे ना, अब नद प्लस करके लगाना है, तो नद प्लस या नद्या हुआ, नद प्लस यय नद्यय, मतलब पूरा नदी नहीं लेना है, नद ही लेना है ना। इसके बाद है या, तो नद में या जोड़ दो, नद्या हो गया। भैया ये या दो बार रिपीट करेगा ना, नद्या नद्या, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में या होगा, फिर लास्ट में सप्तमी विभक्ति में याम हो जाएगा, मया यह या याम। बस ये एक वर्ड से प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सबका एक वचन याद हो गया। भैया इसके बाद ये सब जो बीच वाला है ना, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ता, काहे कि यहाँ पर द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होता है, नद्यो नद्य होगा, यहाँ पर नदी होगा, नदी में बस एगो विसर्ग लगा देना है। अच्छा, इतना तक हो गया ना याद। अब भैया इसके बाद जितना भी दुनिया में शब्द रूप है ना, लगभग सबका सेम चलता है, यहाँ पर तीन गो भ्याम भ्याम आता है, लता में भी तुम भी सुने होगे लता भ्याम, बालक में भी बालक का भ्याम, तो सेम चलता है। उसके बाद यहाँ पर दो गो योह आता है, नद्यो, बालक का शब्द रूप रहता तो बालक का योह होता। अच्छा, यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति का बहुवचन में भी आता है, नदी भी, उसके बाद दो बार भ्यह भ्यह आता है, नदी भ्यह नदी भ्यह, लास्ट में दो गो शब्द बच गया, एगो में नाम आता है, एगो में सु आता है, नदी नाम नदी सु, रुको सब में नदी नदी लिख लेने दो, उसके बाद एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ये शब्द रूप का ट्रिक देख के तुम्हें लता का शब्द रूप याद आ रहा होगा कि भाई साहब लता का भी तो सेम टू सेम था। हाँ यार, अगले वीडियो में बाकी शब्द रूप का वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हाँ, इतना दूर ध्यान से देखोगे तुम पाओगे कि लगभग शब्द रूप का तो ऐसा ही चलता है, सेकेंड लाइन में तीन गो भ्याम, फिर लास्ट में दो गो योह, उसके बाद थर्ड लाइन में भी भ्या भ्या नाम फिर सु, इतना ही तो चलता ही है यार सब में। तो चलो बाय, मिलते हैं किसी नया ट्रिक के साथ।